और अब बात करते हैं पाकिस्तान की। दुर्भाग्य से हमारा पड़ोसी मुल्क जो सुबह से लेकर शाम तक टेरर प्लान बनाता है, और अब पाकिस्तान की हुकूमत और वहां की आवाम को इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकानी होगी। दरअसल पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां दुनिया आर्थिक तरक्की कर रही है, तो दूसरी ओर मजहब और दहशत का दूसरा नाम बन चुका पाकिस्तान कर्ज की दलदल में फंसता जा रहा है। और अब पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने का लालच दिया गया है ड्रैगन यानी चीन की ओर से, लेकिन इसके बदले चीन ने जो शर्त रखी है उससे तय होगा कि अब पाकिस्तान एक बार फिर गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। दिखाते हैं रिपोर्ट। बहत्तर के पीछे लगे शून्य को गिनने में पाकिस्तान के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के भी पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि यही वो आंकड़ा है जो पाकिस्तान के लिए सबसे ताजा चुनौती है। करीब 72 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए पाकिस्तान का कुल विदेशी कर्ज है। जिन्ना के सपनों का पाकिस्तान अब कर्ज के ऐसे दलदल में फंसा है जिससे निकलना उसके लिए नामुमकिन सा हो गया है। IMF के मदद की मियाद पूरी हो चुकी है, दूसरे देशों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। नतीजा, पाकिस्तान गुर्बत की गली के डेड एंड पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान सरकार पर कर्जे का जो ताजा आंकड़ा सामने आया है वो हैरान करने वाला है। पहले से महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान की आवाम पर अब दोहरा अटैक हुआ है। पाकिस्तान की जो आवाम अब तक आटा दाल जैसी मामूली चीजों के लिए बड़ी कीमत अदा कर रही थी, उस पर अब डबल अटैक की तैयारी है। कर्ज के दलदल से पाकिस्तान को निकालने के लिए ड्रैगन सामने आया है, लेकिन बदले में जिनपिंग की डिमांड ही पाकिस्तान की आवाम के लिए सबसे बड़ा संकट लेकर आई है, और जिन्ना लैंड को इस बात का अंदाजा तक नहीं है। हम आपको पाकिस्तान की बदहाली की पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए कि चीन किस तरह पाकिस्तान का इस्तेमाल करने का प्लान तैयार कर रहा है, वो समझिए। चीन ने पहले कर्ज देकर पाकिस्तान की इकोनॉमी को ध्वस्त किया और कर्ज देने के लिए पाकिस्तान की जमीन पर कब्जा किया। इसके बाद पाकिस्तान के खैबर और बलूचिस्तान में कंपनियां लगी, जिसका वहां के स्थानीय लोग BLA और तहरीक लब्बाब लगातार विरोध कर रहे हैं। कई आतंकी संगठन लगातार चीन के कर्मचारियों को निशाना भी बना रहे हैं, और अब इसे ही आधार बनाकर चीन के रेड आर्मी को जिन्ना लैंड में तैनात करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। चीन और पाकिस्तान के बीच हुए इस ताजा डील के बाद बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लोगों का आक्रोश और बढ़ सकता है। एक तरफ पाकिस्तान ड्रैगन के आगे नतमस्तक है, तो वहीं शहबाज की आवाम भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ रही है। सबसे पहले चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा, इसको मैं प्रेशराइज करके अपनी बात ही मनवा सकता। उसने लद्दाख में पंगा लिया कुछ देर पहले, अपनी फौज चढ़ाई, इंडिया ने भी फौज चढ़ा दी, चार पांच साल वहां रहा और उसको समझ लग गई कि यार अब इंडिया वो वाला नहीं रहा, मच स्ट्रॉन्गर हो गया, मुझे इसके साथ एक सिविलाइजेशन के थ्रू एक अच्छा हमसाया बन के रहना होगा, तो ही मैं सर्वाइव करूंगा। और उसने पता चल गया कि मेरे पीछे पीछे ये आ रहा है और आने वाले दिनों में ये मुझे क्रॉस कर जाएगा। एक तरफ पाकिस्तान की आवाम की नाराजगी है, तो वहीं बलूचिस्तान में इस खबर के बाद लोगों का आक्रोश चरम पर है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीते कई महीनों से लगातार ड्रैगन के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन भी चला रही है। द मोटिव ऑफ आवर अटैक वाज वेरी क्लियर, इट वाज अ सिंपल एंड क्लियर मैसेज टू चाइना एंड पाकिस्तान टू विथड्रॉ इमीडिएटली फ्रॉम बलूचिस्तान। This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. लेकिन अपनी जमीन पर ड्रैगन की रेड आर्मी को उतारना पाकिस्तान की जरूरत नहीं, मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रत्येक नागरिक पर बकाया औसत कर्ज बढ़कर 2,95,000 पाकिस्तानी रुपया हो गया है, जबकि कुल बकाया कर्ज 8.36 ट्रिलियन रुपए से बढ़कर 71.24 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए हो गया है। पिछले साल पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय कर्ज 62.88 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपया था। अब पाकिस्तान पर मौजूदा कर्ज देश की GDP का 67.2% से ज्यादा है। आने वाले कुछ दिनों अब जिन्ना लैंड की सरजमी पर जिनपिंग की सेना चहलकदमी करे। अब पाकिस्तान की आवाम को केवल मुनीर की सेना की ही नहीं बल्कि रेड आर्मी के भी अत्याचार का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।